पीछे 2020 में लॉकडाउन लग गया था अपना बेरा है, और 2021 में भी आधी साल लॉकडाउन में चली गई, आधी साल बची थी। और वह एक छोरी बहुत अमीर घर में ब्याह रखी थी, सुनने की बात सुन सारी बात बता रहा, उसका लायक नहीं लग गया ससुरा भी सरकारी नौकरी पे, देवर भी जेठ भी बटेव भी पूरा बड़ा कुनबा और लाखों रुपया हुए सर महीने के उनके, कोई घाटा नहीं। और उसका एक भाई माजा वो बड़ा गरीब था, और वो छोरी है दो बालक छोटे छोटे, एक छोरा एक छोरी, वो न्यू कर लगे मम्मी मर मामा के जाए एक साल हो गया पूरा ले, मर मामा के घुमा लिया ना, मनु बोली बेटा ईब तक कोरोना काल पूरा होया है, तेरा मामा पहले गरीब से बेचारा, देखे मैं जाऊंगी तो बेटा खर्चा होगा, तेरा मामा रहने दे बेटा, नोले ना मम्मी चलो ना प्लीज मम्मी, नो बोली बेटा गरीब से मान जाओ छोरी तो गांव की जगह का गोर को लिकट दियो जब भी खर्चा जाए, नो बोली बेटा तम नहीं समझते बात फिर चलांगे छह महीने पाछा अगली छुट्टियां, नो बोले नहीं मम्मी जी प्लीज बड़कांगी जिद ने सोच चले हंडा लिया एक रात, कोई बात नहीं बच्चे हैं, उन बच्चों की जिद के कारण वह लड़की अपने बेटा बेटी ने दोनों बालकों ने लेकर भाई के दूर गम आएगी, आंधे राम राम नमस्ते हुई वो बालक आंगन में खेलने लग गए, उसकी भाभी पानी लिया, उसने पानी पी लिया चाह बना दी, और न बोली लिया भाभी मैं घने दिन में आई हूँ गाँव में, मैं तो चाची ताइया ने फेटा में गाँव मांड गया हूँ, गाँव गली में छोरियाँ की आदत हो गई घर कुंट के घर आंधे, और बस सूट भी नहीं बदले उन्हें कपड़िया मर अपने पैर के भाभी की चप्पल नो कहेंगे मेरे तो लग गए हैं नई पैर के आई थी वो तो काट देंगे उड़े, और पैर के घर वाली चप्पल और गांव में हंडे जाएंगे मन मान रात ने 10 बजे आऊँ मैं तो फलानी ने फेट के आऊँ मेरी बाण भी नहीं कराया करें घने घने दिन में आवेंगे और फिर घर नहीं टिके वह फेटने का बहाना है, और अपने चली गई बाहर वो बालक आंगन में खेलने लगी, उसका भाई भाभी जो घर बना रखा था जो मेन गेट था उसके बराबर में भीतरले साइड मांगण में खाट गल कर बैठ गए दोनों जन, और आपस में के बतलाने लगे भाई भीर भाभी बोलिया देख इसने शर्म नहीं आई इन्हें डूब के मर जाना चाहिए था, ईब तक कोरोना काल पूरा होया से मारा पहले काम बंद हो रहा पहले गरीब हम तो, और ऊपर तो यह आएगी कि खर्चा को नहीं मारा बता मारा पल्ले बालक रहे ईब इसने तील तागा लिया के 2 रुपया पीसा ना देंगे सूत्रे डाल गई तील तागा ने देंगे चार दिमाग मारी बुराई और करेगी माटी घुटेगी बदनामी हो खाम खाए, न्यूने तो उसकी भाभी को ठीक कैसे है इसने तो जमाई नहीं शरमाई मड़ी थोड़ी बिना सोचना चाहिए था हमारा खर्चा कराना कि न्यूने तो भाई को ठीक है तू कड़े 2 रुपये लियाऊंगा पहले खर्चा चढ़ रहा मेरे कहने का मतलब यू साहब दोनों कह आपस में बतलाते बतलाते छोट यार उसने भूडी भूडी गाल लग गए देना ये गाल तो मैं तुमने क्यों कर बताऊं कहने का मतलब ये हो कि अध से ज्यादा इतनी गाली देने लगे उसको कि इसने तो ठिकाना ही नहीं इसने तो अकले नहीं मड़ी ही भी अरे आ गई ना लाए कि इसने थोड़ा बहुत मारा बारे में सोचना चाहिए था भूडा लग गया बोलना, इतनी देर में उमड़ा गेट खुल गया वो एकदम से चौंके और वह छोरी आ बड़ी भी उसने वह बात सारी सुन ली वो गेट के दौरे खड़ी थी बेरा लग गया उस भाई ने भी उसके भाभी ने भी हो ना तो सारी बात सुन ली और हम तो इसने गाल दिया थे गाल भी सुन ली है ना तो इतनी बात सुनते और वह खाट पर दोनों खड़े हो गए बोली खड़े मत हो उल्टे बैठ जाओ खाट पर छोरी आज उनके खड़ी हुई बोली अरे भाई अरे माँ जाए मत तो ना बहुत बढ़िया ला रही थी रे तू तो भीतर का काला हरे मैंने तो जिंदगी में भी नहीं सोचा था तू ऊपरला मन तो प्यार करे मन और भीतर मन इज्जत नहीं है मेरे लिए मैंने बोली आए भाभी मैं तना बहुत बढ़िया लुगाई मान नहीं थी मेरी माँ मरे पाछा मैं तने माँ वर्गी सोचा करती मैं तो उम्र में बहुत छोटी हूँ और तू तो भीतर की काली लिकड़ी इतनी भूडी भूडी गाल दे बोली भाई रे बात सुन ले मैं लेन देन की भूखी को ना मेरा महीने के 10 लाख रुपया आवे से घाटा को नहीं भगवान ने बाँ पकड़ रखी सुतरी सारा कुछ सरकारी नौकरी पे है और मैं पीछे लेन नहीं आई मैं तो बल्कि सोचू थी थोड़े बहुत रुपये गेल लिया अपने भाई का सहारा लाऊंगी और तम मेरे बारे में न्यू सोचो अग भैया खर्चा करवाना की मैं इतनी पागल को न्या मैं तो पीछे न्यू गे लिया रही थी कि बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे सूट खुद खरीद के ले जाएंगे नाम न्यू को आ दूंगी पड़ोसन देख मेरे भाई ने मेरी भाभी ने इतने बढ़िया बढ़िया तेल दिए मेरे थी लेकिन भाई आज जब तारी असली तो मेरे श्यामी आई तो मेरे बड़े टा नहीं गया सजनो रोन लग गया आख्या बड़े बड़े आंसुआ बोले भाई रे तने तो कति मेरी घर आई की आन तार ली मैंने सपने में भी नहीं सोचा था नवलेरी भाभी तने बहुत गलत करया मेरे साथ भाई भाभी दोनों बैठे खाट को परवा छोरी रोन लागी नवली भाई से मैं ही पे चली जाऊंगी लेकिन मेरी दो बात सुन दे तेरे घर में एक साल में आई हूँ अग मैं जिंदगी में कदे आऊँ भी कौन ईब तेरे मैंने जरूरत भी कौन ईब तो जो तू मना मनाओगा ना मैं जब भी कौन मानू क्योंकि तेरी असलियत से अम्मी आएगी जब मैं ना सुनूर नहीं तेरी ये बात तू नूर भर भीतर गए तो शुक्र है मैंने सुन दी तेरी तू किसा घटी है हमने बेरा लग गया
सजनो रोन लगी बोली मेरा मान रख दिए सिर्फ जानी के सिर्फ आदर के दस रुपये दे दिए मन तेरे तिल तागा भी नहीं चाहिए जीवन में तेरा घरा नहीं बढ़ूंगी कद भी नुआ भाभी दिखने लगी न बोली भाभी नाक से जाना छोड़ दे मैं सारी आना हूँ एक साल में मसा शिव आई ध्यान तो सुनिए लोगों एक असली कहानी है और इससे शिक्षा लेनी पे भी तमें भी किसी की भाभी होगी तमें भी किसी की ननद हो सी बात नहीं है रिश्ते नाते सब के गेल लागे मेरी बेबे भी किसी की भाभी है किसी की ननद बन रही है अपने भीतर जरूर झांकना और इस कहानी को अपने ऊपर अमल करके देखना कुछ भाई भी यहाँ पर बैठे भाई बाण तो तार भी है इसको अपने ऊपर लागू करना और उससे शिक्षा लेनी बहुत बड़ी है छोरी रोन लागे एक बात के अंदर अपने भाई भाभी को क्या कहते सुन वीर मेरा मान राखिए तेरे घर आई तेरी बाण बावज मत नाक चढ़ाइए मैं के आऊरी सारी आण रोन लागी बड़े बड़े आंखियां मासूर एक बात के द्वारा क्या कहती जानते सुन वीर मेरा ऊंची कोठी है मारे और सबसे अमीर आदमी हाँ गांव के मेरा सुसरा गांव का सरपंच है और जो बात कह दी कोई मोड़निया नहीं है मैं उस खानदान में ब्याह रखी हूँ मेरी बढ़िया बाप पकड़ रखी भगवान ने इसे चिपस के इसे बढ़िया फरस है मारे घर लेकिन मेरा उड़ा जी नहीं लगता कई वही साल जाऊ चट जा पे चाल घर क्यों मेरा यू आंगन यू कच्चा आंगन देखे न सारी अणजी करेजा है क्योंकि मैं इस घर में पैदा हुई हूँ इस आंगन में मैं खेलिया करती माटी खाया करती इस आंगन में मेरे माँ बापू की याद है वह तो मर के लेकिन इन घर इन इस घर की दीवारों को जब देखती हूँ तो मेरे माँ बापू मेरे याद आ जाए इस घर का मोह कदे छूट नहीं सकता मैं तो अपना सिर्फ मन बहलाने के लिए आती हूँ ना तो भाई तारे रसे बसे की मेरा बहुत सुहाण है मैं तो उन्हें दुखी कर कराची को नहीं मैं तो अपना इस घर का मोह छूटता नहीं इसलिए आती हूँ नंबर एक पर क्या कहती हूँ बचपन का लाड सलोना से बचपन का लाड सलोना से बचपन का लाड सलोना से बचपन का लाड सलोना इस घर का मो छुटता कोना इस घर का मो छुटता कोना इस घर का उसकी बापी दिनों को लगी मन तीर तक की जरूरत नहीं बस एक चीज की जरूरत है आई ने एक गिलास पानी पिया दिया कर और जानती ने दस रुपये देकर सर कुछ कारीगरों का जाकर नंद ठीक जाइए और देखे जानते फोन कर दिए संभल के जाइए बस इतना ही बहुत समझ दो और कुछ नहीं चाहिए अरन बोली मेरे तो इतना टेम भी नहीं है ये तो प्रेम करो हो तुम मेरे तय इसलिए मैं तारा आया करती प्रेम का रोड़ा है ये मारा दोबारा प्रोग्राम करण क्यों आ गया क्योंकि पाछा जब मैंने प्रोग्राम करा तुमने मेरी बड़ी इज्जत करी बड़ा प्रेम दिया मेरे को और जे तुम मेरी इज्जत ना करो तो कलाकार सिर्फ रुपये रुपया भूखा को नहीं भाई आज देवी माता ने मेरा घाटा नहीं छोड़ रखा भगवान की दास है मौज
सिर्फ प्रोग्राम का भूखा नहीं मना रुपया का, इज्जत करते हो आप लोग। या पूरी पूरी कॉलोनी इतनी बढ़िया लोग हैं, इतने अच्छे तरीके से देख ले, बैठ के जानता सुना है, नाचे हैं कूदे हैं पीछे देवे हैं और इज्जत से बात करते हैं, इसलिए आदमी आता है। मेरी इज्जत नहीं होगी तुम्हारे के लेना हूँगा पैसा, की चीज है पैसा, कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा कमाना मैं ज्यादा बड़ी चीज नहीं मानता। दो नंबर के धंधे करने लग जाए रुपये इतने कुंदड़े आ पड़ेंगे रुपया के ट्रक भर जाए ठेले भर जाए इतना रुपया हो जा। सच्चाई है गलत काम के द्वारा पैसा कितना भी कमा लो, दारू लाग जाओ चोरी तो बेचना, सुल्फा लाग जाओ चरस भांग बार तब गलत काम, बंदूक लाग जाओ बार तब मंगवा के बेचना, रुपये इतने हो जाए जिसकी कोई नहीं है। सच्चाई है यार, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, इज्जत नोबलिरी बाबी प्रेम का रोला है ना, किसने इतना उशान है अनका, मेरे भी काम से घर रोंदी रोंदी नंबर दो अपनी बाबी को क्या कहती है। बात है बेटा बेटी का ब्याह भी कर देगी, पोते पोतियां हो जाएगी, लेकिन काम का मोह टूटे को नहीं। इवाड़े जो कोई मारा गांव की बेटी होती नहीं पाटन हो रही, ए मारा गांव का है यू मरताऊ का छोरा है, खुशी है नारी। अपना हरियाणा में कहावत है जी, नवला गांव का तो कुत्ता भी फेट जे नहीं, उसमें भी मेर आवे, और गांव का और चक्की से भी जात का रहा जरूर कहेंगे मारा गांव का है, खुशी होती है। बुड्ढी हो जाएंगी लेकिन गांव का मुंह नहीं छूटेगा, पूछ के देख लेनी बुड्ढी बुढ़िया ने जई नन्नू कह देनी तारा भतीजा का ब्याह जाओगी बिना पहले सिंदर लेंगी, क्यों मोह है इसीलिए जाती है। इज्जत कितने होगी उड़े जाओगा तभी वो गुंजंदा, अरे इनकी आदत है जे कितने मोटर में बस में बैठ के कितने जानती हूँ, और जे वापस गांव में को लिकड़ती हो ना पीर मगो 10 मिनट पहले शीशे का नहीं बैठ जाएंगी आगे बस में, मारा गांव आओगा देखूंगी आदत है इनकी। आर जब न्यू हो जाएगा ने गांव का डबो को मोटर लेकड़ेगी शीशा लेगी खोल, अरे नु देखेंगी वाह गई गाल मारा घर, चाहे घर दिखो चाहे दिखो गाल भी दिख जाए नहीं जमानदर ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि गांव का मोह छूटता नहीं। नवलीरी भाभी घर गांव लखन की घर गांव देखण की अपान छुटिया नहीं करती, तू भी तो अपना घर जावे है। आर सुने ये तो अपनी चाची ताई ने मिलना आयु गांव की रूख देखण आई हूँ, रुपया की भूखी कोई नहीं। नंबर 3 पे क्या कहने लगी, रूप गाम के देखण आई, 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 मिलने गिर सब चाची ताई, मिलने गिर सब मेरे पास कई बार फोन आओगे लुगाइयाँ के ज्यादा आओ हैं, क्यों ये भजन ज्यादा देखे, मैं बाण भाई के भजन ज्यादा गाता हूँ, अरे ये लुगाई ज्यादा लाइक करा आदमी तो बहुत कम देखते हैं,
कोई बढ़िया है भाई बेशक ना तो लोग देखते कौन बढ़िया चीज ना नकली चीज ना देखे। अरे कादी फोन कर गया रे भाई मन जाने है ना बेबे कौन जानता रे मैं कक्षर की सोचा का तू से बेबे मत कौन जानता भाई तू कुकर जाने का मैं तो पोते पोती आनी हो रही बुढ़ी हो रही हूँ जब तू जामे भी था मेरा तो ब्याह लिया ना बेबे फिर मैं कुकर जानूंगा तू मन कुकर जाना बेबे। अरे बहुत सुतरे बस न गाओ भाई मैं तो सारा दिन फोन बतेरे देखे जाऊं भाई टेलीविजन में सारी आन और देखे आस पड़ोस की लुगाई भी नहीं यहाँ है तार गाम का ए मारा भाई है मारा चाचा छोरा मारा ताऊगा इन तारे तला लियो जितनी तमाड़ बैठी हो काल ने जे तमने किधे फोन में मैं दिख गया नहीं है किधे टेलीविजन में दिख गया तमनों को कि ये तुम्हारा भाई है रामधन ये खुशी होती है मान के मन में ये खुशी की प्रेम की बात है। और देखे न्यू कहेंगी सारी रे भाई रामधन है तो जो बीच में जो बात बताओ है ना तू ये बात जरूर बताया कर समझाया कर लोगा ना कोई मन ने जब भी ठीक ना मन ने तो अपना काम करता रहो मखा बेबे ये बात क्या तो बताऊं न्यू कहेंगी भाई देखे ये तेरी जो बात है ना ज्ञान की ये तेरी इतनी जान पहचान करवा देगी तू कदे सोच भी नहीं सकता। ये बलवान जी मैंने आज से करीब करीब 15-20 साल पहले फेटे थे मैं छोटा हा बालक था होगा सारा मैं मेरे ख्याल में 10-12 साल का था बस में मिला था महीने एक सिर्फ बोलने की वजह से महा नमस्ते जी नमस्कार बेटे कहाँ से मक्का घर का बोले मतरा गुआंडी हूँ खंडगा आज तो ही मित्रता है इनके साथ मेरी दूसरे भाई तभी होगी फिर मलिक शाह से भी मिल लिया आज राजेश जी तभी होगी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस बात को आगे मैं जड़े भी कितने भी इन आदमी ने मिलूंगा नहीं अपने आप राम रमी होगी तब नभी में कितने फेट गया तो नमस्ते राम राम अपने आप हो जाएगी क्यों क्योंकि व्रत के देख लिया हम आपस में किसे ये प्रेम है जो बात हम आपस में बताते हैं ना ये आदमी की वैल्यू बढ़ाती है जो बोल बोला तू लिखे ना बेटा नू लिखदार ये भाई एक दिन तरी तरी जान पिछाने तो सोच में लिखदार बटन लाग रही भगवान की दात है जो पाना ने कही वाई लिखी नंबर 4 पर कैसे भला कागसर आले का तारी है 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 राम धन न्यू समझा